हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ एक नई सीरीज लेकर। मेरा नाम है सीए विवेक गोयल और इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2016 एज वेल एज जून 2017 एग्जाम में सर्विस टैक्स अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल होंगी, एंड दीज अमेंडमेंट्स आर मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016, और इसमें रेलेवेंट नोटिफिकेशंस भी हम कवर करते चलेंगे। ये है पार्ट वन और इसमें बहुत तीन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी एंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एंट्रीज फाइनेंस एक्ट 2016 एप्लीकेबल होने से पहले नेगेटिव लिस्ट में कवर हुआ करती थी, मगर अब उन्हें नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया गया है और उन्हें होली और पार्टली मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर कर लिया गया है। कौन कौन सी है तीन एंट्रीज, और याद रखेगा एग्जाम के लिए पक्का इस लेक्चर में से कम एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज नेगेटिव लिस्ट में भी कवर हुआ करती थी और बेटा मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट में भी कवर हुआ करती थी। एजुकेशन सर्विसेज को नेगेटिव लिस्ट से पूरी तरीके से हटा लिया गया है। एजुकेशन सर्विसेज को नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया गया है, मगर अब एजुकेशन सर्विसेज को पूरी तरीके से मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर कर दिया गया है। सो एजुकेशन सर्विसेज रिमूव फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट बट कंटिन्यू टू रिमेन एग्जेम्प्टेड थ्रू मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट। कौन सी है सर्विस और किस एंट्री में था? फॉलोइंग सर्विसेज वर नॉट टैक्सेबल एज दे वर कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 66DL ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994। नेगेटिव लिस्ट हम क्लास में करते हैं और एक एक एंट्री को याद रखते हैं, एग्जाम में एमसीक्यू बन जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज कवर्ड और नॉट कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। तो याद रखेगा नाउ ऑनवर्ड्स एजुकेशन सर्विसेज नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं है, मतलब ये टैक्सेबल होने लगी हैं। कौन कौन सी इसमें हमारे पास सर्विसेज थी? सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। ये सर्विसेज हमारे पास नेगेटिव लिस्ट में कवर हुआ करती थी। इन्हें जब नेगेटिव लिस्ट से हटाया गया इसका मतलब ये टैक्सेबल हो गई, मगर इमीडिएटली अमेंडमेंट कर दी गई है मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में। जहां पहले कुछ सर्विसेज को एजुकेशन सर्विसेज को कवर किया जाता था मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में और कुछ को नेगेटिव लिस्ट में कवर किया जाता था, नाउ ऑनवर्ड्स बेटा एजुकेशन सर्विसेज को पूरी तरीके से मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में कवर कर दिया गया है। वोकेशनल सर्विसेज की डेफिनेशन, लाइक वोकेशनल एजुकेशन कोर्स की डेफिनेशन, पहले हमारे पास नेगेटिव लिस्ट में हमारे पास हुआ करती थी, अब उसे मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। आप इस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनेंस एक्ट 2016 हैज ओमिटेड सेक्शन 66DL देयर बाय रिमूविंग द सेड एजुकेशनल सर्विसेज फ्रॉम द नेगेटिव लिस्ट। हाउएवर Service tax would still not be payable on said services by virtue of entry 9A. I will suggest इसे आप याद करके जाइएगा बेटा। Now it is mega exemption list entry number 9A under meg which exempt the services provided by an educational institution to its students, faculty and staff. मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट की एंट्री नंबर 9A को भी अकॉर्डिंगली अमेंड किया गया है और अब एजुकेशन सर्विसेज को नेगेटिव लिस्ट से हटाकर मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर कर दिया गया है। सो नंबर वन, एजुकेशन सर्विसेज आर नो मोर कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। नंबर टू, एजुकेशन सर्विसेज अब पूरी तरीके से हमारी कवर कर दी गई हैं इन मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट। एंट्री का नंबर याद रखिएगा, इट इज 9A। एक नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। सो एजुकेशन सर्विसेज नेगेटिव लिस्ट से निकलकर अब पूरी तरीके से मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट में है। पहले पार्टली नेगेटिव एंड पार्टली मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट। नाउ नेगेटिव लिस्ट 0%, 100% इन मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट। नेक्स्ट सर्विसेज जो बेटा हमारे पास नेगेटिव लिस्ट में कवर हुआ करती थी, जिसे अब हटा दिया गया है नेगेटिव लिस्ट से, मतलब ये टैक्सेबल हो गई। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय स्टेज कैरिज रिमूव फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज। जी हाँ,
जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं। सो दो सर्विसेज हमारे पास आती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बैक टू बैक ही हमारे पास एंट्री आती है। पहले बात करते हैं हम हमेशा पैसेंजर की, ठीक है, और यहां पर भी पैसेंजर की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। और यहां पर जो सबसे पहली हमारे पास बेटा एंट्री होती है, ये एंट्री होती है स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी के चलने वाली बसेस, या हम कहें जो रोडवेज बसेस चलती हैं अलग अलग स्टेट में। सो स्टेज कैरेज पूरी तरीके से हमारा नेगेटिव लिस्ट में कवर हुआ करता था बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री ओ का फर्स्ट क्लॉज, ठीक है। एंट्री यू हमारे पास थी क्लॉज आई में, फर्स्ट आई में ये हमारा एग्जाम्प्ट होता था। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट एकम्पेन बिलोंगिंग्स, दैट इज विद और विदाउट बैगेज, बाय स्टेज कैरेज, बोथ एयर कंडीशन एज वेल एज नॉन एयर कंडीशन, वॉज नॉट चार्जेबल टू सर्विस टैक्स, बिकॉज ये नेगेटिव लिस्ट में कवर हुआ करती थी। हाउएवर इस एंट्री के क्लॉज को याद रखिएगा, पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बेटा पूरी एंट्री को खत्म नहीं किया गया है। एजुकेशन सर्विसेज में जितनी एंट्री थी पूरी की पूरी एंट्री को विड्रॉल कर लिया गया है, मगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हमारे पास अलग अलग एंट्रीज थी, ठीक है। वहां पर से केवल क्या हटाया गया, फर्स्ट स्टेज कैरेज, मतलब जो बाकी की एंट्रीज हमारे पास हुआ करती हैं नेगेटिव लिस्ट में, फॉर एग्जांपल रेलवे अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एसी क्लास, वो अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। मेट्रो, ट्रामवे, मोनोरेल, ये अभी भी कंटिन्यू टू एग्जेम्प्ट है। सो सिर्फ पहली पॉइंट को हटाया गया, स्टेज कैरेज। इसका मतलब नाउ ऑनवर्ड्स स्टेज कैरेज क्या हो गया, टैक्सेबल। बट एक एंट्री को अमेंड किया गया इन मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट। सो यहां पर समझिएगा, स्टेज कैरिज पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन में स्टेज कैरिज को पूरी तरीके से नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया गया बेटा, मगर इसका कुछ हिस्सा मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट में ट्रांसफर किया गया। ध्यान रखिएगा, कुछ हिस्सा मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट में ट्रांसफर किया गया, मतलब यहां पर कुछ हिस्सा मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट में जाकर टैक्स फ्री हो गया, मगर बाकी का हिस्सा अब पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। देखिएगा, फाइनेंस एक्ट 2016 हैज ओमिटेड द सेट क्लॉज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2016, हाउएवर एंट्री 23 क्लॉज डबल बी टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट एकम्पेन बिलोंगिंग बाय नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरिज ये बेटा इंसर्ट की गई है अंडर मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट, ठीक है। सो ये एंट्री नंबर 23 डबल बी में अमेंडमेंट की गई है, हमारे पास एंट्री नंबर 23 में अमेंडमेंट की गई है, क्लॉज डबल बी को ऐड किया गया है, कहां पर, मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट। तो इसके भी याद रखिएगा, नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया गया स्टेज कैरिज को और उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर दिया गया मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट में 23 डबल बी में, मगर केवल क्या बेटा, नॉन एयर कंडीशन, नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज। सो अगर हम यहां पर बात करें दैट स्टेज कैरेज बेटा क्या होता था, ये जो एयर कंडीशन है एंड नॉन एयर कंडीशन, अभी जो नॉन एयर कंडीशन है ये बेटा टैक्स फ्री है। रिमेंबर, ये जो नॉन एयर कंडीशन है टैक्स फ्री है बाय वर्च्यू ऑफ 23 क्लॉज डबल बी मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट के कारण, मगर ये जो एयर कंडीशन हमारे पास स्टेज कैरिज है ये अब क्या हो गया है, टैक्सेबल हो गया है। ध्यान रखिएगा, नाउ इट इज टैक्सेबल। और इसमें एक रेलेवेंट अमेंडमेंट मैं आने वाले लेक्चर्स में करूंगा जब हम इसके ऊपर अमेंडमेंट अबेटमेंट का रेट भी करेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, एंट्री नंबर सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में स्टेज कैरेज में को हटा दिया गया है, मतलब ये हो गया टैक्सेबल, चाहे वो एयर कंडीशन है या नॉन एयर कंडीशन है, मगर मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट में इस एंट्री का कुछ हिस्सा ऐड कर दिया गया है। तो एट प्रेजेंट स्टेज कैरेज अगर एयर कंडीशन है तो वो टैक्सेबल होगा, नॉन एयर कंडीशन है तो वो मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट के कारण टैक्स फ्री रहेगा। सो देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज विल बी लायबल टू सर्विस टैक्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है जिसे हमारे
नेगेटिव लिस्ट से बेटा हटाया गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट और वेसल्स फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू इंडियन कस्टम स्टेशन रिमूव फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट। जी हाँ, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जब इंडिया के बाहर से इंडियन कस्टम स्टेशन तक वेसल या एयरक्राफ्ट में सामान लाया जाता है तो ये नेगेटिव लिस्ट में है, मतलब इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता। अगेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में जैसे केवल एक क्लॉज को हटाया गया स्टेज कैरियर, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी पूरी एंट्री को नहीं बेटा, केवल एक क्लॉज को उठाकर बाहर किया गया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया were covered in negative list of services under section 66D. Section 66D हमारा negative list का section है। ये हमारे पास होती है entry number और ये entry का होता है बेटा clause. So entry number P के clause second में cover था अगर इंडिया के बाहर से इंडियन कस्टम स्टेशन तक एयरक्राफ्ट या वेसल के थ्रू सामान लाया जाता है तो उसके किराए पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ये नेगेटिव लिस्ट में कवर था। मगर इस एंट्री को विड्रॉल कर लिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2016, मतलब ये क्या हो गया, टैक्सेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2016, सेट सब क्लॉज हैज बीन ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016। इसका मतलब अब अगर इंडिया के बाहर से वेसल या एयरक्राफ्ट आ रहा है अप टू कस्टम स्टेशन तो इसके किराए के ऊपर क्या लगना चाहिए, सर्विस टैक्स। बट एक अमेंडमेंट की गई, मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में एक नई एंट्री को इंसर्ट किया गया, मतलब ये एंट्री पहले नहीं थी, नई एंट्री को इंसर्ट किया गया, एंट्री नंबर 53। अ न्यू एंट्री हैज बीन इंसर्टेड इन मेगा एग्जम्पशन लिस्ट to grant the exemption to services by way of transportation of goods by aircraft. ध्यान रखिएगा, entry number 53 केवल aircraft cover करती है from place outside India up to the custom stations of clearance in India. So negative list से aircraft और vessel दोनों को निकाला गया, मतलब ये हो गए taxable. But immediately amendment कर दी गई mega exemption list में, एंट्री नंबर 53 को इंसर्ट किया गया। मगर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, एंट्री नंबर 53 में केवल और केवल कवर किया गया है एयरक्राफ्ट, मतलब पहले क्या हमारे पास था, इंडिया के बाहर से इंडियन कस्टम स्टेशन तक अगर एयरक्राफ्ट या वेसल में सामान लाया जाता था तो उस सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, मतलब उनके किराए के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता था। 1/6/2016 onwards, अगर इंडिया के बाहर से एयरक्राफ्ट में सामान लाया जाता है अप टू कस्टम स्टेशन तो उसके किराए पर अभी भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में कवर कर दिया गया है। अगर इंडिया के बाहर से इंडिया कस्टम स्टेशन तक वेसल में सामान लाया जाता है तो जो वेसल का किराया है, भाड़ा है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा, क्योंकि उसे एंट्री नंबर 53 ऑफ मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में जगह नहीं मिली है। सो इट मींस सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों में। एंट्री नंबर 1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जो हमने आज डिस्कस की है, एजुकेशन सर्विसेज, मगर बेटा जो दो एंट्री है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एंट्री का कुछ हिस्सा उठाकर और उसका भी कुछ हिस्सा एग्जामिनेशन लिस्ट में कवर किया गया है। सो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो एग्जामिनर की प्रायोरिटी आपके एग्जाम में रहेगी, या तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर लेकर आएगा या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पर लेकर आएगा। एजुकेशन सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू दीज टू एंट्रीज। सो इट मीन्स सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस वुड बी लायबल टू सर्विस टैक्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई अमेंडमेंट लेकर आएंगे। आप दूसरे वीडियोस हमारे देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।